वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में एंड नए कंटेंट के साथ। जो आज की टॉपिक रहने वाली है वो एक विटामिन सी फेस सीरम है जो डे टू डे लाइफ में आप रेगुलर बेसिस पे से यूज कर सकते हो एंड ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हो। लेकिन इस प्रोडक्ट की आप सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखिएगा, पूरी फुल एंड तक देखिएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली छूट भी सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि स्किप करने से मिसमैच हो जाती है इन्फॉर्मेशन। दैट्स वाई ये चीज मैं आपको बोल रही हूँ, स्किप मत कीजिएगा। एंड चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो आज की प्रोडक्ट है वो है लैकिबुल की विटामिन सी फेस सीरम। यस फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे एंड इवन यूट्यूब पे भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बहुत ज्यादा टॉपिक आप बोल सकते हो वायरल में चल रही है, या इस टॉपिक इस जो ब्रांड है लैकिबुल, इसकी प्रोडक्ट्स बहुत सारी मार्केट्स में आ रही है। अगर इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग एंड द क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी आपको 13 ml ऑफ द प्रोडक्ट मिलती है। मीन्स अच्छी क्वांटिटी आपको मिलती है, जो नॉर्मली एक स्किन से फेस सीरम्स के में आपको क्वांटिटी मिलती है, सेम वही क्वांटिटी आपको मिल रही है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये आपको अराउंड 100 rupees मिल जाती है। यस फ्रेंड्स, 100 के अराउंड ये आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। नेक्स्ट, अगर बात करूं कि ये जो प्रोडक्ट है आप किन स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हो, किन जेंडर वाले यूज कर सकते हो एंड आपको किन एज से स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको 18 से प्लस ही यूज करनी है। मीन्स 18 से आपको स्टार्ट करनी है इस टाइप की प्रोडक्ट्स को। एंड इसकी अगर स्किन टाइप की बात करूं तो ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। विटामिन सी एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो हर एक आप बोल सकते हो स्किन टाइप यूज कर सकते हो। अगर आपकी कैसी भी स्किन है सारे में यूज कर सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप कोई भी जेंडर यूज कर सकते हो, कोई इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर जेंडर ही यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट की बात करूं कि आपको बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करती है या ये आपको क्या क्लेम प्रोवाइड करती है, तो आपकी सबसे पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट स्किन को बहुत अच्छे से स्किन टोन को इवन आउट करती है। अगर आपकी कोई भी डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, एक्ने स्कार्स की है, टैनिंग हो गई है, आपको डार्क पैचेस भी हो गई है, तो ये सब प्रॉब्लम्स को ये रिड्यूस करती है फ्रेंड्स। साथ में स्किन को ब्राइटन अप करती है, कोलाजन की जो अमाउंट होती है हमारे स्किन पे उसको बूस्ट अप करती है, तो हमारी स्किन बहुत स्मूथ और सपल और प्लम्पी स्किन दिखने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइटन अप करती है, जो आपको मैंने पहले बताया है, बहुत अच्छे से स्किन को क्लियर करती है, फेस की स्किन को बहुत अच्छी होती है विटामिन सी हमारी स्किन के लिए एंड हमारी हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए भी होती है विटामिन सी, जो नेचुरल भी आप लगा सकते हो एंड प्रोडक्ट के साथ भी आप इसे लगा सकते हो। नेक्स्ट बात करूं फ्रेंड्स कि ये जो आपको प्रोडक्ट है यूज कैसे करनी है, ठीक है। यूजेस बहुत ज्यादा सिंपल है, एज अ एक आपको फेस सीरम की तरह यूज करनी है मॉर्निंग एंड द नाइट स्किन केयर रूटीन में। कोई भी इसके साथ मॉइस्चराइजर आप ले सकते हो और साथ में इसमें आप कोई भी फेस वॉशेज, आप स्किन टोनर ले सकते हो और साथ में सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाएं फ्रेंड्स। कोई भी आप प्रोडक्ट लगाते हो तो मैं बहुत कुछ किसी को देखती हूँ कि प्रोडक्ट लगा लिए हैं एंड सनस्क्रीन नहीं लगाते और फिर बोलते हैं कि उनको रिजल्ट नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट आप लगाते हो उसकी रिजल्ट्स तो आपको मिलती है, लेकिन सनस्क्रीन लगाने से क्या होती है, वो रिजल्ट्स आपकी प्रोटेक्टेड रहती है। मीन्स आपकी जो स्किन पे रिजल्ट आई है वो दिखती है। आप नहीं करोगे तो फिर वो स्किन बैरियर की तरह काम ही नहीं कर रही है, सनस्क्रीन आप लगा ही नहीं रहे हो, तो धूप की जो भी रेज आती है उससे हमारी स्किन डैमेज होती है, ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरी की पूरी धूप की रेज खराब होती है, बहुत अच्छी होती है धूप की रेज, लेकिन उसमें से कुछ कुछ हार्मफुल रेज भी होती है, तो दैट्स व्हाई उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो अच्छी रे होती है तो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करती ही करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आपको प्रोडक्ट है इसमें इंग्रेडिएंट क्या मिलती है। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी। आपको विटामिन सी की सारी आपको मैं बता दी हूँ कि क्या इसमें बेनिफिट्स होती है, जितनी भी मैंने बेनिफिट्स बताई है वही विटामिन सी की बेनिफिट्स होती है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको हाइलुरोनिक एसिड मिलती है जो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखती है, 24 आवर रखती है। एंड इसमें बेसिल ऑयल मिलती है फ्रेंड्स, जो कि बेसिल आप तुलसी की जो पत्ती होती है वो एक आप बोल सकते हो कि जो हमारी नेचुरल होती है इंडिया में वो तुलसी की पत्ती नहीं होती है, ये आपको फॉरेन में जैसे कि इसको उगाई जाती है लाइक पिज्जा इसमें डाली जाती है, तो वो बेसिल ऑयल है। एंड इसमें आपको एलोवेरा भी मिलती है, तो एलोवेरा तो आप जानते हो कि मल्टीपर्पज जेल है जो हर एक स्किन टाइप के लिए सुटेबल होती है और हर एक चीज की प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है। एंड फ्रेंड्स, इसमें मेंशन है कि आपको ये पैराबेन सल्फेट फ्री मिलती है प्रोडक्ट एंड साथ में क्रुएल्टी भी फ्री मिलती है।
फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो फ्रेग्रेंस ऑलवेज है, आपको मिलेगी ही मिलेगी एंड कलर भी एडेड इसमें रहती है। अगर नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट की बात करूं कि ये प्रोडक्ट आपको रिजल्ट क्या देगी, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी रिजल्ट ये देने ही नहीं वाली है, क्योंकि अगर आपको 100 में विटामिन सी की फेस सीरम एंड इसमें और भी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये इंग्रेडिएंट आपको मिला करके मिल रही है तो 100 में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। एंड साथ में अगर गलती से कोई लगाते भी है तो स्किन पर डेफिनेटली रिएक्शन हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक बहुत अच्छी ब्रांड नहीं है तो उसकी प्रोडक्ट खराब हो गई, वैसी बात नहीं है। इंग्रेडिएंट के हिसाब से मैं बोल रही हूँ और प्राइसिंग के हिसाब से बोल रही हूँ, इतनी सस्ती प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। अगर आप नेचुरल बेस्ड और आप जेन्युइन प्रोडक्ट बनाते हो तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलने वाली है इतनी कम रेट में। तो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ कि आप लोग इसे बाय करो, क्योंकि इससे स्किन पे रिएक्शन हो सकती है या आपकी ब्रेकआउट्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्किन पे एक्ने निकल सकती है, पस वाली भी एक्ने निकल सकती है। तो दैट्स वाई इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को भी डेफिनेटली शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज़।